रुद्र, कल मैंने घंटों उस कॉफी शॉप में तुम्हारा वेट किया पर तुम नहीं आए। यार एटलीस्ट मुझे एक मैसेज तो डाल देते कि तुम बिजी हो और नहीं आ सकते हो। वाह, मैं यहां कुछ बोल रही हूं पर तुम तो रिएक्शन ही नहीं दोगे, है ना? सही है यार, मैं भूल गई थी, तुम सरफराज सर के साथ अपना केस सॉल्व करने में बिजी थे, राइट? देखो रुद्र, ये बात मैं पहले भी कहती थी और आज भी बोल रही हूँ, काम ही सब कुछ नहीं होता है, आपको अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना चाहिए। पर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती हैं ये बातें यार? खैर छोड़ो, तुम्हें अच्छे से पता है मैंने अपने पेरेंट्स की डिस्टर्ब मैरिज लाइफ देखी है रुद्र, और मैं वही गलतियां अपनी लाइफ में नहीं करना चाहती हूँ। शायद तुम्हें टाइम लगेगा ये सब समझने में। चलो छोड़ो, लेट्स नॉट स्पॉइल द मूड। तुम ये बताओ तस्नीम भाभी कैसी हैं? पता है रुद्र, उनके हाथ ना मुझे मेरी माँ की याद दिलाते हैं, उन्हीं के जैसे हाथ मेरी माँ के थे जिससे वो मुझे दही चावल खिलाया करती थी। अच्छा एक बात बताओ, तस्नीम भाभी आज घर पे ही होंगी ना? तो एक काम करो, उनकी बहुत याद भी आ रही है, पिछले हफ्ते उन्हें कॉल किया था मैंने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया था, आज मुझे उनके पास ले चलो ना, उनकी चिकन बिरयानी खाने की बहुत इच्छा हो रही है। चले उनके यहाँ।